जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। दोस्तों, ये वीडियो अर्ल नाइटिंगेल के स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट और बॉब प्रॉक्टर के पावर प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है। हमने इसे छोटा और डायरेक्ट बनाने की कोशिश की है। आप इसे जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको महसूस होगा कि अरे, मुझे तो ये चीज रोक रही है, ये मेंटल ब्लॉक तो मुझे दूर करना है। मेंटल ब्लॉक्स के बारे में अवेयर होने मात्र से आप उससे दूर होना शुरू हो जाते हो। एक बहुत पुरानी बात है, ग्रेट डिप्रेशन के आसपास की। एक बिजनेसमैन से पूछा गया कि आप सफल कब हुए। वो कहता है कि जब मेरा सारा धंधा कर्जे में डूब गया, पत्नी घर छोड़ के चली गई, कर्जे के कारण मुझे घर खाली करना पड़ा। उस रात न्यूयॉर्क की खून जमा देने वाली सर्दी में मैं पार्क की बेंच पर सुकुड़ कर लेटा था, लेकिन उस रात मैं सफल हो गया। दोस्तों, आप कहेंगे ये कैसे संभव है, इन श्रीमान के जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सफलता की ऐसी डेफिनेशन तो हमने कभी नहीं सुनी, ये इंसान आज रात को कैसे सफल हो सकता है। आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। मान लीजिए कि एक सुंदर सुबह आपकी आंखें खुली, आपने देखा कि आपके सामने एक गिफ्ट रखी हुई है, इस गिफ्ट पर आपका नाम लिखा है। जब आपने गिफ्ट खोली तो उसमें लिखा हुआ था, आज से सफलता आपकी, आने वाला हर दिन कल से बेहतर होगा, आपका हर दिन खुशी और पैशन से भरा होगा। आप पूछेंगे कि ऐसा होता है भला, लेकिन ये सच है कि बनाने वाले ने हर इंसान को ये गिफ्ट दी है। हम कहीं भूल गए हैं शायद, लेकिन ये गिफ्ट हम सबके पास पहले से ही मौजूद है। ये गिफ्ट हमको वापस कैसे मिलेगी? बस अगले 5 सेकंड के लिए अपना सारा ध्यान इस वीडियो की आवाज पर ले आइए, केवल मेरी आवाज और पीछे म्यूजिक पर गौर कीजिए, जैसे आपने बहुत कम कोशिश में अपना ध्यान इन शब्दों पर मोड़ लिया। बस इतनी ही शक्ति चाहिए आपको असफल से सफल होने में। आपको अपना ध्यान फ्रस्ट्रेशन, कमी, कमजोरी की भावना से हटाकर अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुशी और अच्छाई देखनी है, क्योंकि सक्सेस इज अ डायरेक्शन दैट यू चूज। दोस्तों, ये वीडियो लेयर बाय लेयर गहरा होता जाएगा। मेरे साथ जरूरी पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लेते जाइए और वीडियो के बाद में नोट कर लीजिए, जिससे ये वीडियो एक बेहतरीन एक्शन में बदल जाए। बिजनेसमैन ने उस रात डिसाइड किया कि मैंने बहुत पछतावा कर लिया, मैं अब से कभी असहाय महसूस नहीं करूंगा, मैं अच्छा और कामयाब महसूस करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कभी अकेला ना रहूं, मेरे पास अच्छे दोस्त, परिवार और पैसा हो, इसलिए मैं आज से निश्चय करता हूं कि मैं हमेशा ऐसे विचार सोचूंगा जो मुझे अपने गोल से जोड़े रहें, मैं अपने चारों तरफ सफलता और खुशी देखूंगा, मैं कभी अपने मन में दुख और चिंता को टिकने नहीं दूंगा। बाहर से देखने पर वो बिजनेसमैन जरूर असफल दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना ध्यान अपनी परेशानियों और नाकामियों से हटाकर एक लक्ष्य और समृद्धि पर लगाया, वैसे ही वो सफल हो गया, क्योंकि सक्सेस एक डायरेक्शन है, वो इंसान के पास्ट और एक्सटर्नल अफेयर्स पर निर्भर नहीं करती। ये डायरेक्शन शुरू होता है एक डिसीजन से, जिस जादुई पल उस बिजनेसमैन ने देखा कि उसे क्या चाहिए और अपने पास्ट को छोड़ने का डिसीजन लिया, उस पल ने निश्चित किया कि वो बिजनेसमैन सफल हो गया। आप पूछ सकते हो कि ये अगर इतना आसान है तो बाकी लोग सफल क्यों नहीं होते? इसके 2 कारण हैं। पहला, 1 या ज्यादा से ज्यादा 2% लोग ही ऐसे होते हैं जिनके पास्ट या मुश्किलों से ज्यादा जरूरी उनका लक्ष्य होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये क्लैरिटी होती है कि उनकी मानसिक दुनिया से ही शारीरिक दुनिया बनती है, पर्सनैलिटी ही पर्सनल रियलिटी बनाती है, इसलिए वो कभी अपने विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करते। दूसरा, लोग टेस्ट नहीं करना चाहते, वो जो अभी तक सोचते आए थे उसे नहीं बदलना चाहते, वो चाहते हैं कि बिना सोच बदले रिजल्ट बदल जाए। ऐसे लोग या तो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं या आंख बंद करके नकार देते हैं। दोनों ही बातों से आपकी अवेयरनेस और डेप्थ ऑफ थिंकिंग में कोई इजाफा नहीं होता। आपको क्या करना चाहिए? जो भी आपको सही लगता है उसको आपको ही टेस्ट करना है, बिल्कुल उतनी ही सावधानी से जैसे लैब में सैंपल टेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर ये सलाह सच है तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जितने भी महान लोगों ने सही अर्थों में सफलता पाई है, जिन्होंने पैसा, समय, परिवार, समृद्धि सब कुछ पाया है, उन्होंने आश्चर्यजनक खोज की है कि सफलता केवल एक डिसीजन है। आप निश्चय करते हो कि आपको जाना कहाँ है,
और आप उस दिशा में चलना शुरू हो जाते हो। ईश्वर, गॉड, भगवान के बाद सबसे ज्यादा रिसर्च किया जाने वाला शब्द है सक्सेस। अर्ल नाइटेंगल 17 साल की रिसर्च के बाद सक्सेस की डेफिनेशन पर पहुंचे और अगले 40 साल इस डेफिनेशन को परफेक्ट करते रहे। वो कहते हैं, सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल। दोस्तों, ये पहली डेफिनेशन का ही डिटेल्ड रूप है। इस डेफिनेशन में 4 कीमती शब्द हैं, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन मतलब हर दिन क्लैरिटी बढ़ती जाए, हर दिन आपकी अवेयरनेस प्रशस्त होती जाए। और वर्दी आइडियल मतलब ऐसा लक्ष्य जो कि सच में पाने लायक है, जिसके लिए जीवन और समय लगा सकते हैं। जब आपका लक्ष्य आपकी जान जितना कीमती होगा तो उसे पूरा होना ही होगा। सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल मतलब जब आपको हर दिन क्लियरली महसूस हो कि इस लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा है, इस लक्ष्य के बिना मजा नहीं है, इसे तो पूरा होना ही है, तब उस मेंटल स्टेट को सफलता कहते हैं। एक इंजीनियर सफल है जो टॉप इंजीनियर बनना चाहता है। उसका विजन क्लियर है कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स डिजाइन करना चाहता है। वो हर दिन रियलाइज करता है कि इस विजन के लिए वो अपना जीवन, शक्ति और समय लगा सकता है। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल का मतलब उस इंजीनियर को हर दिन महसूस होता है कि इस लक्ष्य के लिए बेहिचक सब कुछ दिया जा सकता है। जब ऐसा होता है तो वो गोल सच में बदल कर रहता है, क्योंकि सबकॉन्शियस तक क्लियर मैसेज पहुंच चुका है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि जब भी आपके मन में पिक्चर बने कि मुझे ऐसा भविष्य बनाना है, तो उसे किसी से डिस्कस मत करो, उस विजन को पेपर पर लिखो। कई बार आपको डाउट आएंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। ये डाउट्स और कुछ नहीं, आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, आपका भूतकाल है। इन डाउट्स को पीछे छोड़ने का डिसीजन लो और हर दिन उस विजन को देखो, पढ़ो, महसूस करो और सबसे ज़रूरी बेहिचक एक्शन लो। मुझे इस डेफिनेशन से धीरूभाई अम्बानी की याद आती है। जब वो पहली बार फैक्ट्री लगा रहे थे, उन्हें कई दोस्तों ने मना किया कि मैन्युफैक्चरिंग में पैर क्यों डालते हो, ट्रेडिंग करते रहो। लेकिन धीरूभाई कहते हैं कि अपने विजन को देखकर मुझमें ऊर्जा भर जाती। मेरा विजन मुझे चला रहा था, कई मुश्किलें आई, लेकिन हमारा विजन कभी नहीं बदला, क्योंकि सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल। इस मेंटल स्टेट में जो भी आप पाना चाहते हो, जहां आप अपना ध्यान, शक्ति और ऊर्जा रोकते हो, वो सफल होकर ही रहेगा। जैसे आइजैक न्यूटन ने फिजिकल रियलिटी के लिए हमको लॉज ऑफ मोशन दिए थे, वैसे ही इस जीवन का नियम है कि बिना दिए कुछ मिलता नहीं। सफलता पाने के लिए मतलब इस मेंटल स्टेट को बनाए रखने के लिए आपको कीमत तो चुकानी होगी, वो भी 4 तरीके से, 4 वेज टू पे द प्राइस। पहली बात याद रखिए कि हम जो सोचते हैं वो हम बनते जा रहे हैं, मतलब जो आपके मन में बार बार चलता है वो आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, जब मन ऊंची उड़ान भरे, बड़े सपने देखे, तो उसे कभी संशय और कमजोरी से नीचे मत खींचो। तीसरी कीमत है साहस। अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए पॉजिटिव सॉल्यूशन सोचो, यही असली साहस है। इस बात पर यकीन करने से मना कर दो कि कोई दिक्कत इतनी बड़ी है जो आपको रोक सकती है। और चौथी कीमत है एक्शन। जो भी आप प्लान करें उस पर तत्परता से एक्शन लो। पहली कीमत, सचेत रहो, जो आप बार बार सोच रहे हो वो आप बनते जा रहे हो। दूसरी कीमत, नेवर डाउट, खुलकर सपने देखो। तीसरी कीमत साहस, थिंक पॉजिटिव सॉल्यूशंस। और चौथी कीमत है एक्शन। सफलता के सीक्रेट को अपने अंदर महसूस करने के लिए अर्ल नाइटेंगल 30 दिन का प्लान बनाते हैं। पहला स्टेप, अपने कार्ड पर लिखें अपना वर्दी आइडियल, एक गोल जो आप सच में पूरा करना चाहते हैं, जिसके बिना जीवन में मजा नहीं आएगा। इस गोल को एकदम स्पेसिफिक शब्दों में लिखिए। आपके पास कार्ड पर सिंगल एकमात्र गोल होना चाहिए, किसी को मत दिखाइए, बस अपने साथ रखिए। पूरे उत्साह और खुशी के साथ दिन में कई बार इस कार्ड को देखिए। कार्ड के पीछे लिखिए कि जो विजन दिमाग में बना है, जिसे महसूस किया है, उसे सच होना ही पड़ेगा। चौथी बात, जब भी इस कार्ड को देखिए तो इसके बारे में पूरे उत्साह और खुशी से सोचिए। जैसे सुबह इस कार्ड को देखकर सोचिए कि आज कितना एक्साइटिंग दिन है, मुझे अपने गोल पर काम करना है,
रात में सोने से पहले इस कार्ड को देखिए और सोचिए कि मैंने सच में अपने सपनों को जीना शुरू कर दिया है। जब आप इस कार्ड को देखें तो खुद को याद दिलाइए कि जो आप सोचते हो वैसा आप बनते जा रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी ही पर्सनल रियलिटी बनाती है। दोस्तों अभी आप वीडियो को पॉज करके लिखना शुरू करो एक गोल जो आप पाना चाहते हो। कई बार डर उभर कर आएंगे। अगले 30 दिन ऐसा कीजिए, जब भी मन में डर या संकोच आए तो उसे इग्नोर या दबाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखते रहिए। जब वो कमज़ोर पड़ जाए तो अपने डर को देखिए और विजन पर काम कीजिए। कैसे होगा, कब होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपका काम है विजन को देखना, उसे महसूस करना और एक्शन लेते जाना। आपको बस पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। बाकी की चिंता उस शक्ति पर छोड़ दीजिए जो ये ब्रह्मांड चला रही है। और आखिरी बात, अगले 30 दिनों तक अपने काम को पूरी लगन और उत्साह से कीजिए। इस समय जो भी आप करते हैं, जिम जाना, पढ़ाई करना, जॉब करना, अगले 30 दिन पूरे उत्साह और लगन से काम कीजिए जैसे आपने कभी किया ही ना हो। फिर देखिए क्या होता है। बस 30 दिन ऐसा करके देखिए। कई बार दिक्कतें आएंगी और डर भी लगेगा, लेकिन आप बस सचेत रहिए। बार बार उस विजन की याद रखिए, उस चित्र को देखिए और महसूस कीजिए। अगले 30 दिनों में इस तरह से काम करके आपके सामने द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट साफ हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के आखिर में आपके लिए एक वर्कबुक भी है। इस वर्कबुक का प्रिंट आउट लीजिए और 30 दिन के चैलेंज को शुरू कीजिए। याद रखिए दोस्तों, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।